लेकिन वेलकम बैक हो गया ये तो केटू सेट में कुछ आमदेद कहते हैं। मैं हूं रिदा इमरान और चेहरे पे मेरे रौनक आ गई। वो बड़े अरसे के बाद उनसे मुलाकात हुई, उनको ढूंढ ढांढ के टिकटॉक से उनको मैंने तलाश किया और मैंने कहा इनको दोबारा लेके आना। इनको भी आप जानते हैं जिनको खाने पीने का शौक है, जो कि देश परदेश जाते हैं, उनको पता है कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। दिल तो चाह रहा है उनको मैं मौला जट बोलूं, लेकिन नहीं, आज मौजूद है तौकीर साहब। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? खैरियत से? जी बिल्कुल खुश हैं, जबरदस्त टाइमली पहुंच गए। हाँ जी, कोई शिकायत थी ना आपको? काम गलियों में फिर रहे थे बोले बोले खैर है नहीं। और उनके साथ बैठी हैं जी किरण शेख। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो किस सब कितने अरसे बाद मुलाकात हो रही है आपसे? 2000 साल बाद? जी जी तकरीबन। सलाम डायरी करने के लिए आपके रेस्टोरेंट आए थे, राइट? और उससे पहले वाले मॉर्निंग शो में मुलाकात हुई। जी बिल्कुल ऐसी है। तो अब तक कितनी तब्दीली हो चुकी है, अपने बारे में बताइएगा। कोई तब्दीली नहीं, सेम ओल्ड दिस वर्क, कुछ भी नहीं उसके अलावा। और काम काम और काम काम काम। देश पर देश को आप चला रहे हैं कितने अरसे से? मुझे एग्जैक्टली 15 इयर्स। 15 इयर्स? जी जी। तो आपने सैदपुर की जगह क्यों चूज की थी? मैंने नहीं की थी, CDA कॉल्ड मी इन दुबई, तो मैं आया। फिर उन्होंने मुझे कहा जी यहाँ पे हमें कोई प्रोफेशनल आदमी चाहिए। अच्छा। मैं उस वक्त था हशवानी ग्रुप का हेड था। सही। मैं दुबई में था तो मैं आया, मैंने देखी जगह, गांव सा। पहले तो मेरी कुछ रिजर्वेशन थी लेकिन फिर वो अल्लाह मियाँ ने जिसके हाथ में जिसका जहाँ पे लिखा है तो वो वहाँ पे पहुंच जाता आपके लिए। तो मैं पहले मैं ना करके चला गया दुबई, देन आई केम बैक। उन्होंने दोबारा बुलाया, फिर मैंने इसको शुरू किया। अच्छा अच्छा, 15 साल हो गए। बोर नहीं होते काम से? नो, ये तो अब करते करते जिंदगी गुजर गई। बिल्कुल सही, नो रिग्रेट्स। पहले किसी के लिए काम करते थे तो Since I work for myself, तो it's much better. तो अगर आपने स्किन के वाले से बात करनी है, अगर आपने बालों के वाले से बात करनी है, अगर आपने खानों के वाले से बात करनी है, हाई कुछ खाना हम आपके हाथ का खाते? मुझे आपने कहा था जरूर बनाता। चलो नेक्स्ट टाइम सही, कुछ चीजें रोक लेनी चाहिए ना अगली मुलाकात के लिए भी। जी जी। हाँ तो फिर हम खाने की रेसिपीज भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आप हमें कॉल कर सकते हैं 0514102251। सब कितना जरूरी है शौक का होना, लाइक खाना पकाना भी। वैसे ये नहीं कहते लड़कियों वाले काम क्यों कर रहे हैं आप, ये खाने रेसिपीज वगैरह? इन्होंने एक अभी जुमला कहा कि अगर आप खूबसूरत है ना, हाँ, तो खूबसूरत लेकिन दिखनी चाहिए। हालांकि हाँ। आज के जमाने में ऐसा होता नहीं है। ये जो इनकी जो फील्ड है ना, इसमें अगर आप खूबसूरत नहीं है ना तब भी तो खूबसूरत दिखनी चाहिए। खूबसूरत तो खूबसूरत ही होता है। बिल्कुल, ये तो है। मैं कह रहा था, माय अपोलॉजी। लेकिन आप देखिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं, जो ट्रांसफॉर्मेशन वीडियोस आती हैं बहुत ही सादी शक्ल की खवातीन होती है, लेकिन क्या उनको जो है ना वो बना के जो दिखाते हैं। क्लाइंट्स यही कह रहे होते हैं कि यहाँ आपने जो कर दिया ये हम घर पर नहीं कर सकते। हाँ, मुंह धोने की देर है फिर। वो शादी के अगले दिन दूल्हा नहीं घर में भाग रहा होता, अम्मा मेरी दुल्हन भाग गई, वो कहती नहीं वो नाश्ता बना रही है। कहता मैं तो समझी, मैं तो कुछ और ही समझा था। तो वो इसलिए मुझे वो थोड़ा सा ना बड़ा खूबसूरत जुमला लगा इनका। लेकिन तो सब लड़के भी यार दूल्हे भी तैयार हो रहे होते हैं यहाँ दूल्हे। आजकल तो वो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आजकल तो आप छोड़ दें आपका जैसा भी लड़कियों वाला काम हमारा। ये एक वाहत चीज है जो लड़कियों ने कभी नहीं की, प्रोफेशनल। मैंने बिल्कुल भी नहीं की प्रोफेशनल। अच्छा, इट्स ए प्रोफेशनल कुकिंग। आई एम शेफ, आई वेंट टू स्कूल, I did my BBS from America. I did my MBA from America. I went to one of the finest. तो जो जितने पैसे देके मैंने काम सीखा है ना, उतने में F6 में घर मिल जाता। Hey. Absolutely. Oh my goodness. Absolutely. अभी 2 साल जब मैंने किया था, उस वक्त 2 साल की फीस और लॉजेस और सारा कुछ डाल के था अराउंड $1,00,000. $1,00,000, हाँ। ये 99 की बात है। अच्छा, नाउ इट्स अराउंड 250। अब 250 को कन्वर्ट कर ले पाकिस्तान में तो पूरा घर है। फिर तो खाने में डिग्री की बात होगी। ये एक डिग्री की बात कर रहा हूँ, बाकियों की नहीं कर रहा। जो मैंने बैचलर की, फिर मैंने मास्टर्स की, तो फर्क ये था कि जब मैंने आके शुरू किया टीवी पे आना, जी जी, तो फर्क सिर्फ ये था कि मैं पढ़ लिख के मैंने ये काम शुरू किया। यहाँ पे हमारे पास इंस्टीट्यूशन नहीं है पाकिस्तान में, जो है उसमें उन इंस्टीट्यूशन में वो ये होता है कि जो जिसने इंस्टीट्यूशन में आया ना, वो देख रहा होता है कि मुझे क्या बचेगा। तो आपको ख्याल नहीं आया कि मैं को बना लूं इस इंस्टीट्यूशन? हमने शुरू किया और तकरीबन कोविड आ गया फिर एकदम से। हाँ। वो सारी हमारी, क्योंकि इट्स वेरी लेंथी प्रोसेस, गवर्नमेंट को जाके अपना अप्लाई करना,
बाकी सारा कुछ। फिर वो जहाँ पे हमने बनाना था वो फिर पता नहीं आपको शायद याद हो कि इस्लामाबाद में जितने घरों में रेस्टोरेंट्स थे ना उनको सीडी ने बंद कर दिया था। हाँ जी, हाँ हाँ। तो उनमें से वो आई वाज वन ऑफ देम, मेरा स्टे हाउस था एम्बेसी रोड पे। वो काफी लॉस हुआ उस टाइम पर। हाँ, बहुत हमारा तो विदाउट सेइंग द फिगर सीढ़ियों को अचानक ये आमद कहाँ से होती है, बस अचानक ही उनको सॉरी टू से दोहरा सा पड़ता है और फिर इतने करोड़ों के नुकसान हो जाते हैं और फिर उसको कोई उसका बदल देने वाला भी नहीं होता, कोई उसका प्लान भी नहीं देता। चाहते हैं कि प्रोफेशनली एक काम हो रहा है तो आप प्रोफेशनली करें ना। इस तरह तो जितने हाउसेस बने हुए उनके रेंट बहुत एक्स्ट्रा हो रहे हैं। एग्जैक्टली, ये मेन फोकस तो उनका यही था कि जितने घरों में हुए हैं। ये एम्बेसी रोड की बात कर रहे हैं, तब मैं निर्वाणा में होती थी तो अचानक से बंद कर दिया, सील हो गया। उसकी रीजन ही ये कि आपके घरों के रेंट बहुत ज्यादा हो गए थे। ओ यस, हाँ, कोई ना कोई वजह होती है। बिल्कुल, हर गली में कुछ ना कुछ खुला हुआ है। स्कूल्स बेतहाशा, स्कूल्स बेतहाशा खुले में। आप एग्री करें इसे? निर्वाणा का आपका जो था ना कैफे जी, वो सारा उसका मेन्यू मेरा से डिजाइन है, ये उनका हशवानी साहब की बेटी का है। जी जी बिल्कुल, ठीक है ना। तो आई वाज बेसिकली कॉर्पोरेट डायरेक्टर, तो इनका फिर वो लाहौर में भी, फिर बाद में हमने तो इनका जितना भी फूड साइड थे ना वो सारा मैं लुक आफ्टर करता था। ओके ओके। शौक बचपन से होता है ये काम करने का? नहीं नहीं नहीं, पाकिस्तान में नहीं। मुझे तो जुनून की हद तक है, इवन मैं अपनी ब्यूटी फील्ड से। लेकिन उनका सवाल ये था कि बचपन से, अभी आपने कहा कि आप एक दिन गए, आपने देखा, लेकिन शौक था बचपन से? नहीं, मुझे बचपन से था। मैं 8th क्लास की स्टूडेंट थी, मैं कर रही हूं तो फिर की शौक से। हां, मैं तो पढ़ रहा था, आई डिड माय एमबीए एंड मैं बस वो होटल में काम, आई वाज द डायरेक्टर फूड एंड बेवरेज। तो मेरे साथ जो किचन थे ना, किचन में वो सारे थे यूरोपियन, और मेरी बड़ी टुक टुक रहती थी उनसे। एक तो मैं बड़ा आउटस्पोकन हूँ, आई डोंट टेक डायरेक्शंस वेरी वेल, तो मैं जर्मन के साथ ना शेफ थे मेरे, हम दोस्त भी थे, पर जब काम करने का टाइम होता था वो कहते थे कि मेरे किचन से निकल जाओ। अच्छा, हालांकि आई वाज द बॉस, यू वर द बॉस, डायरेक्टर फूड एंड बेवरेज। ओके, लेकिन द पर्सन हु इज द शेफ इन द किचन, ही इज द बॉस इन द किचन। बस वो फिर अगर उसको जाके मैं कुछ चीज कहनी तो उसने कहा तुझे क्या पता, व्हाट डू यू नो। वो फिर वहां से मुझे ना किट चढ़नी शुरू हुई। फिर मैंने उसके लिए अप्लाई किया कॉलेज ऑफ अमेरिका। अच्छा, दैट वाज द मोटिवेशन। एब्सोल्युटली, यूरोपियन शेफ थे मेरे साथ। सही सही, बड़ी लड़ाई होती थी हमारी। अच्छा, और उसने एक दिन छुरी निकाल ली ना, तो किसने गुस्से में, आप क्या पंजाबी बोलते हैं? मैं गुस्से में पंजाबी बोलता हूं। पंजाबी में एक ब्रेक ले, छुरी की तरफ दोबारा आएंगे जी, ठीक है। ये आपका कैमरा है, पंजाबी ब्रेक तुसी ले लो। अच्छा, ये है? हाँ जी, ठीक, ब्रेक लेना। अच्छा, मैं लूं? हाँ, आओ जी, ब्रेक चलिए। जी वेलकम बैक। ओए, मुझे कहा था कि आपने बोलने थे, हुनसी मुड़ आया, प्रैक्टिस करते करते वेलकम बैक बोल दिया। कोई नहीं, ऐसा होता है। जनाब हमें 0514102251 पे कॉल कीजिए। तौकीर साहब मौजूद हैं जो कि बड़े सुपर शेफ, मैं इनको कहूँगी, इतना एक्सपीरियंस है इनका, देश पर देश रेस्टोरेंट के ओनर भी हैं। इसके अलावा साथ बैठी हैं किरण शेख जो कि बालों को कैसे ट्रांसफॉर्म करना है इनसे बेहतर कोई नहीं जानता। सब इनको इस्लामाबाद में जानते हैं कि किस तरह, अब कोशिश मैं कर रही हूँ कि इनकी जो हमारे सामने फैसिलिटी से दो बड़ी इंपावर्ड सी बैठी हैं, लेकिन उनकी जर्नी कैसी थी, कैसे उन्होंने आगाज किया, उसकी तरफ हम बात करे थे। इससे पहले बता रहे थे तौकीर साहब आपके, वो आपके जो शेफ थे उन्होंने छुरी निकाली थी। वो गुस्से में ना, हाँ। तो वो हर रोज काम कर रहे थे ना, अब अगर आप मेरे पास किचन में आए ना तो यू ऑलवेज सी, आप मेरे हाथ में नाइफ देखेंगे हमेशा ना। अच्छा, कुछ ना कुछ काट रहे होते हैं, ये चॉप कर रहे होते हम लोग, तो वो चॉप कर रहा था तो ऐसे दो तीन दफा जी जस्ट ली मई ऑफ यू ली मई ऑफ ऐसे करके बोलता था। तो वो जर्मन था ना, तो मेरा भी एक्शन था लेकिन उसका बहुत हैवी एक्शन था। अच्छा, तो वो वहां से ना मुझे ना, मैंने कहा यार ये जितने भी शायद बाकी भी ना, वो नजदीक ही आने देते थे। अच्छा अच्छा, स्टे वे वो जाके ना पिकअप पॉइंट होता हमारा ना, तो वो कहते थे कि जब आप उससे आगे ना आए किचन में। फिर वो मैंने नौकरी छोड़ी, मैं ह्यूस्टन में था। अच्छा, मैं कब की हो, 97 फिर मैंने मैंने कुछ पैसे जोड़े हुए थे, जर्नी स्टार्ट हुई है 97 में। मैंने 99 में फिर उसको लेकर, मुझे स्कॉलरशिप मिल गया। सही, ओ अच्छा अच्छा। मैं वहां पे पढ़ाता था स्कूल में ना, अब बस बिट सीनियर, मेरी उम्र थोड़ी सी ज्यादा थी। अच्छा, क्योंकि थोड़ी छोटी उम्र में लोग जाते हैं शेफ बनने के लिए, ठीक है, ठीक है। तो मैं काम कर चुका था, सही, MBA भी मैं कर चुका था, तो मैं थोड़ा सा बढ़ाता था। फिर मैं वहां पे ना मैथ पढ़ाता था, उसे कहते हैं कॉलोनरी मैथ, पाकिस्तान में ये फील्ड है ही नहीं। है ही नहीं? है ही नहीं। कॉलोनरी मैथ भी होता है? कॉलोनरी मैथ, यस, एब्सोल्युटली। ओके, तो उसमें क्या होता है?
दिस इज ऑल अबाउट आपकी जो कास्टिंग निकालनी होती है आपने, ये सारा फूड के बारे में ना जो चीजें कैलकुलेशन हमने करनी होती है, चीजें खरीदते हैं जो डिश आपके सामने आती है अच्छा, तो उसकी कास्टिंग भी पीछे से निकालनी होती है, तो वो जो इच्छी बिच्छी चीजें होती है ना उनको सारों को फिर वो करना सारा, फिर उसमें फाइनेंस भी आ जाती है। मैं फिर वो पढ़ाता था, सही सही सही, फिर मैंने पाकिस्तान में आके पढ़ाई। ओके, हमारे यहाँ तो ना आधा कप दाल का ले लो, आधा कप मूंग की दाल, आधा कप मसूर की दाल, जिसे बोलते हैं अच्छा सही है, रेसिपी होती है। लेकिन ये है कि अभी पाकिस्तान में ये फील्ड है नहीं। अच्छा जी, कॉलर है जी। सलाम अलैकुम जी, गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? गुड मॉर्निंग यार, यहाँ बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह, आपके दोनों गेस्ट को पहले तो सलाम हो, और स्टार्टिंग फ्रॉम योर वेलकम नोट मैं ये कहूंगा, देखें रिश्ते जो है एहसास का नाम है, चाहे आपकी माँ हो, बाप हो, गैर हो, जब आप एहसास करते हैं तो वो रिश्ते आप ऑनर करते हैं, जब एहसास नहीं करते तो अपने भी दूर हो जाते हैं, और एहसास करते हैं तो गैर भी अपने बन जाते हैं। तो हमें एहसास करना बहुत जरूरी है रिश्तों के लिए। मेरी बहन, कुर्बानी भी देनी पड़ती है, आप अगर बड़े हैं तो छोटे के लिए कुर्बानी दें, और एक दूसरे की रेस्पेक्ट जरूर काउंट करें, तभी ये रिश्ते चल सकते हैं। अच्छा, मैं आपके दोनों मेहमानों को सलाम करते हुए पूछा, जो हमारे बैठे हैं इनका रेस्टोरेंट है, शेफ भी हैं, तो मैं इनसे सवाल मुझे एक तो करना है कि एक तो कहें जी हमारे यहाँ रेस्टोरेंट तो हर कोई खोल के बैठ जाता है, हर कोई शेफ भी बन जाता है, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो प्रॉपर ट्रेनिंग के साथ करते हैं। इसमें रेस्टोरेंट में एक तो दो तीन चीजें जो होती है जो मैं देखता हूँ, जो समझता हूँ, वो ये कि एक तो सारे आपकी कुजाइन है, आपका जो भी आप बना रहे हैं उसकी क्वालिटी, एक दूसरी बात जो होती है जो हमारे यहाँ नहीं, जो हाइजीन है इस पर कोई तवज्जो नहीं दी जाती, और तीसरी चीज है कि सेफ्टी, जैसे कराची में बहुत जगह आग लग रही है, और ये इसकी सेफ्टी, क्योंकि वहाँ गैस भी चल रही होती है, चीजें भी चल रही होती है, तो इसकी सेफ्टी के लिए कोई आप अभी जो हादसा हुआ इतना बड़ा मॉल में जो लगी आग, एग्जैक्टली जी, तो यही मेरा कहना है, क्योंकि जब काम कर रहे होते हैं ना तो आप ये सेफ्टी को बिल्कुल पसे पुश डाल देते हैं, तो अब क्योंकि ये पढ़े लिखे आदमी है, तो ये अपने रेस्टोरेंट में या क्या सजेशन देंगे कि एक रेस्टोरेंट खोलने के लिए वो हमारे यहाँ क्या पैरामीटर सेट किए गए? हमारे यहाँ रेस्टोरेंट हर कोई खोल के बैठ जाता है, बट देयर इज नो पैरामीटर फॉर सेटिंग अ रेस्टोरेंट हाउ they can handle it, क्योंकि यूएई में और दूसरी जगह हम जो देखते हैं वहां जाहिर है बल्दिया भी होती है, हर चीज का एसओपीज होते हैं, हां एसओपीज को फॉलो करते हैं, तो बस ये मेरा सवाल है, और थैंक यू फॉर गिविंग अस सच नॉलेज एंड सच इन्फॉर्मेशन। थैंक यू फॉर द कॉल, यार कराची से रेगुलर कॉल करते हैं, और जब नहीं करते तो मुझे इंतजार होता है यार की कॉल क्यों नहीं है। 3 क्वेश्चंस फॉर यू सर। अच्छा, मैंने आपसे अभी कुदरत इनकी कॉल आई, उन्होंने सवाल भी वही कर दिया, मैंने भी आपसे कहा कि पाकिस्तान में ये इंडस्ट्री बनी नहीं अभी, सही, उन्होंने जो चीजें कही ना, अगर ये इंडस्ट्री बनी होती ना तो शायद ये चीजें वो मुझे ना कहते, लेकिन उनका कंसर्न 100 पता नहीं, दूसरी बात उन्होंने क्या की, सेफ्टी की बात की थी, हाइजीन की बोली थी, हाइजीन, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कुजीन की बात बोली थी। पाकिस्तान में ही इज एब्सोल्युटली राइट, पाकिस्तान में तो जिदा पुत्र काम नहीं करता अब्बा कहता पैसे फटते जाकर शुरू कर, आप देख लेना जितने भी निकले के छोटे छोटे कैफे बने हुए हैं, आपने कभी गौर किया कि वो अब्बा जी रिटायर अफसर सी, हाँ। उन्होंने पेंशन मिली, उन्होंने एक मैंने पैसों का क्या करना है, वो पुत्र अंदर आया, उन्होंने कहा बाजी मुझे दे, मैं कैफे खोलूंगा, लड़के आएंगे बड़ा माहौल होगा, हाँ। तुम भी आके बैठ जाओ अब्बा जी, अब्बा जी ने मेरी शादी कर ली दोस्ती, मैं कहला तेरा तो कुछ बने ना बने, मैंने तेरी तो ये उसकी उन्होंने जो तीनों सवाल किए हैं वो बिल्कुल बड़े जेन्युइन, पता नहीं इनको बड़ी इनकी दिल पे चोट लगी है लगता है मुझे, इनकी बड़ी ऑब्जर्वेशन है, हाँ जी हाँ जी, कि ये आप जाएं रेस्टोरेंट्स में, क्योंकि मैं खुद पढ़ाता हूँ जी, टिल टुडे हम छोटे बच्चे लेते हैं, हम उनको ट्रेन करते हैं, गांव में है तो गांव से हमने बड़े बच्चों को ट्रेन किया, ये आपका अपना प्रोजेक्ट है या किसी के साथ? दैट्स माय ओन प्रोजेक्ट। अच्छा, जबरदस्त, मैं दूसरे लोगों को डिजाइन करता हूँ चीजों को, ठीक है, जैसे पीसी ग्वादर है, मैं जब पीसी में था तो पीसी मुजफ्फराबाद हो जिन प्रोजेक्ट में, और जो प्रोजेक्ट मैंने श्रीना के लिए किया वो मैंने किया था श्रीना काबुल, अच्छा अच्छा, रहा खोला चलाया, फिर वहां से मुझे क्रूज शिप पे जा मिल गई, मैं छोड़ चला गया, अच्छा सही है, फिर मैं क्रूज शिप पे रहा, बड़ी कमाल की जॉब की वहां, सही सही। लेकिन आप बात को ऐड ऑन कर सकती हैं, हाइजीन की जो बात करें, हाइजीन का ख्याल नहीं रखा जाता, इनके लिए भी हाइजीन जो इनके लिए भी यहाँ पे बैठे बहुत इंपॉर्टेंट है, इस हाइजीन तो एक ऐसी इबादत है जो कि चलती रहती है आपके साथ, सोते उठते जागते, आप कोई ऐसा काम ना करें, हमें ये होता है कि हाइजीन जो उन्होंने कहे ना, क्योंकि मेरी पकाई हुई चीज हो ना वो आपने खानी है, तो मेरा जरा ज्यादा रिस्पांसिबिलिटी है, इनकी भी ऐसी है, क्योंकि इन्होंने चेयर एक से रिलेटेड वर्क है ना, हम पे ज्यादा वैसे हाइजीन के हवाले से इस्लामाबाद में काफी फेमस है जी, बिल्कुल बिल्कुल, हमारा क्लाइंट स्पेशली आता ही इसलिए है, स्पेशली स्किन का, कि हमारे टूल्स वगैरह बहुत क्लीन होते हैं, टॉवल्स वगैरह बिल्कुल सब डिस्पोजेबल चीजें होती हैं, इस्लामाबाद में अवेयरनेस ज्यादा,
क्योंकि आप जैसे लोग है ना पढ़े लिखे हैं जिन्होंने ट्रैवल किया हुआ एक्सपोजर कन्फ्रंट करते हैं वो जी जी बिल्कुल बिल्कुल अब आप जाए आप छोटे शहर में जाए तो वो तो चलो दाल लैके आ चलो जो दाल आई उसने रखी रोटी कितों आई किसी को नहीं पता अच्छा तंदूर बहुत इम्पोर्टेंट तंदूर के ऊपर अच्छा आपका लहजा बड़ा मजे का है तंदूर के ऊपर जो जो तकिया सा जो होता है जिस पर रोटी बनती है उसको देखा है आपने कभी मेरे पास रोजाना सिर में उसमें सोता नहीं हूँ हमारे पास पड़ा साफ सुथरा होता है ना हमारे पास छह सात होते हैं हाँ। हम उनको ना बिल्कुल सही है नहीं 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 वो अगर अच्छी जगह ना देखिये मसल मैं उसकी डो बनाता हूँ सही टू बिगिन विद सबसे पहले उसकी डो बनती है जिसे आप कहते हैं आटा गूंद लेते हैं तो हम उसको बोलते हैं डो तो हम बड़ा हालांकि मेरा एक रेस्टोरेंट यूनिक पूरे पाकिस्तान में इसलिए है ना हमारा कोई दरवाजा है सही। ना हमारी कोई दीवारें हैं ना हमारी कोई छत है एग्जैक्टली हाँ। अगर आप मेरे रेस्टोरेंट में जाए ना जी, जी, देखा हम रोड पे बैठे हुए हैं हुँ। मुझे आके बड़ा तंग करते थे ना कुछ मैक में अच्छा मैं क्या मैं रोड पे बैठा हूँ कौन से रेस्टोरेंट की बात कर रहे हैं आग वो आगे आग वाले आगे ना अच्छा मैं कह लगी कि किड़े पासे हो तो जानी किड़े पासे ये आग वो यहाँ पे रखे ना वो स्ट्रक्चर फायर एक्स मैं कह ये है मैं रोड पे बैठा हूँ ओपन एयर ये लगती है जैसे कवर्ड एरियाज में कवर्ड एरिया वहां पे कोई ऐसा जैसा कि आपने कराची वाली बात की है मॉल में हम तो बिल्कुल ही आप गए होंगे आप देखो हम तो बिल्कुल ही हम बिल्कुल नेचर के साथ ना एग्जैक्टली सुबह 11 बजे खोलते हैं ना 7-8 बजे बंदर आ जाते हैं वहां पे बंदर आ जाते हैं हमारे पास बहुत बंदर है हमारे रेस्टोरेंट में बहुत ज्यादा तो वो अपना रेस्टोरेंट चलाते हैं सुबह 7 से 11 बजे वो जाते हैं फिर हम चलाते हैं तो हमारा दबंकी एडिशन सही वो आके तो बेचारे को खैर मुझको समझ आई नहीं मेरी बात हाँ। मैं क्या मुझे बता मैं क्या करूं कहां से बंदर को बोला आपने नहीं नहीं अच्छा मैंने कहा बंदर बंदर वाला हमसे वैसी चीजें ले जाते हैं बंदर वाला वो भी बंदर वाले ही है अगर आपको मोहब्बत से बोले उनको ना है वो मोहब्बत वाले बुलवाते हैं ना मोहब्बत करते हैं ना वैसे कह रहा हूँ वो हर रेस्टोरेंट की नेचर डिफरेंट है बिल्कुल बिल्कुल मैं जब पीसी वालों के साथ था अब जनरल मैनेजर पीसी लाहौर अच्छा वन टाइम तो वो लाइफ और वहां पर आग भी लगी बिल्कुल सही है क्योंकि वहां पे कॉम्प्लिकेशन इस तरह की है कि मुख्तलिफ लाइनें बिछी हुई हैं गैस की लाइन जा रही है पानी की गैस जा रही है मुख्तलिफ चीजें जो ना ओवरलैप कर रही है तो किसे आप इतने मजे मजे खाने वहां पे खाते होंगे तो दिल नहीं भर जाता मैं खाने नहीं खाता वहां पे खाना नहीं खाते मैं खाना ही नहीं खाता खाना ही नहीं खाते मैं इसको इस तरह से डिफाइन कर ले सुबह उठ के ना एक तो मेरा एज ग्रुप ऐसा है क्या आपकी एज बताएंगे मैं उन्हें बता दूं आप तो बताना पड़ेगा कहेंगे आप बड़े लगते हैं लेकिन उम्र इतनी छोटी है आपकी क्या पता आप जो है वो छोटे लगते हो उम्र ज्यादा नहीं बट यू लुक हैंडसम वो अच्छा जो दिखता है वो अच्छा खवातीन के साथ बैठ के तो ये जुमला आप दोनों के लिए हम लोगों ने महसूस किया हुआ अच्छा तो आप सुबह नाश्ते में क्या बता रहे थे मैं सुबह उठ के नाश्ते में ना जो चीजें मेरी रूटीन है ना वो है ड्राई नट्स उसमें बेसिकली रात सोने से पहले ना मैं बादाम वगैरह पानी में भिगो देता हूँ वॉलनट जिसे अखरोट बोलते हैं वो भी एक और चीज आई हुई आजकल उसका नाम आप मुझे नहीं पता उर्दू में क्या है हम उसको पंजाबी में कहते हैं फुल मखाने जी मखाने फुल मखाने फुल मखाने हाँ, हाँ। अच्छा मुझे यही नाम है यही मुझे भी पता है तो वो उसमें भिगो के ना तो सुबह सफेद से रंग के जो होते हैं जी जी, जी, जी। ओ अच्छा तो बहुत के लिए बहुत परफेक्ट होते हैं बहुत जबरदस्त दैट इज अमेजिंग ओके आई मीन मैं बताऊंगा आपको उसकी उसकी जबरदस्त जबरदस्त चीज है और लोग असल में पता नहीं ना हर चीज इतनी जंक फूड में निकल गई है ना कि जो असल चीजें थी वो छुप गई जिससे आपको एनर्जी मिलती है आपकी डाइट बनती है आपकी न्यूट्रिशन आपको गेन करते हैं जिन चीजों से दूध दही मक्खन देसी घी सब चीजें गायब हो तो ये मोटा नहीं करती चीजें किरण किसने बिल्कुल भी नहीं देसी घी मोटा नहीं नहीं करता यही अक्सर लोग वो घरों में बच्चों को तो आप किसी को बताएं कि बेटा दूध लिया करें तो आजकल जो बच्चियां खासकर तो वो अंकल मोटी हो जाएंगे मोटी हो जाएंगे तो मैं कहा पुतला होगे तो मोटे होगे आप साथ में एक्सरसाइज करें साथ में अब वो देखे ना एक्सरसाइज आप भी करनी नहीं है exactly, सारा दिन आप उस पे बैठे हुए हैं टीवी देख रहे हैं exactly. और बहुत छलांग मारी स्कूल चले गए वहां पे जाके बेंच पे बैठ के उठे घर आ गए बिल्कुल जितना आपका स्टूडियो है इतना एक पूरा यहाँ पे उन्होंने स्कूल खोल देना था अगर आपने किसी को दिया था किराए पे अब तो ये कितना बड़ा जितना जुल्म
एजुकेशन में पाकिस्तान में हुआ ना पिछले 15-20 सालों में. अब ये देखे घर 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 मोहल्लों में लाइनें लगी हैं बच्चों के आने के और जाने के टाइम पे, आप गुजर नहीं सकते. जो जो मुहज्जब दुनिया है उसमें तो ये हो नहीं सकता, आप खोल ही नहीं सकते स्कूल. सीडीए ने स्टॉप भी तो इसी वजह से किया था कि ये रोड सारे जो, लेकिन वो चेक एंड बैलेंस नहीं है ना, थोड़ी देर बाद फिर वो दोबारा से शुरू हो जाता है. तो हाउ डू यू कीप योर सेल्फ फिट? आप खुद माशाल्लाह कितना मतलब टाइम कैसे निकालती है, खाने पीने का ख्याल कैसे रखती हो? खाने पीने का जैसे उन्होंने फूल मखाने का जिक्र किया तो मेरी रूटीन में फूल मखाने हैं. अच्छा, उसे क्या पानी में सोख करके खाते हैं? जो बादाम है ना, हाँ. इसको अगर आप स्किन उतार के ना, इट कॉजेज यू कॉन्स्टिपेशन. रात को आप डिप कर दें तो सुबह खुद ब खुद, हाँ, स्किन जो है ना उसको उतार दें, ठीक है. सारी जो न्यूट्रिशन है ना वो उसका जो व्हाइट अंदर है ना उसकी बॉडी, सही सही. और उसके बाद ये है कि सुबह उठ के मैं, जैसे बात हो रही थी, मैं अभी आया हूँ, मैंने अब मौसमी आ गई है, देख रहे बाजार में क्या क्या जबरदस्त किस्म के फ्रूट है, अनार है, अंगूर है, अमरूद है, नाशपाती है, उसके बाद फिर अल्लाह मियां का भला करे बनाना है, सेब, अच्छा मजे क्या है, जबरदस्त किस्म के सेब आ गए हैं, अच्छा. और सब्जियां सब फ्रेश. मैं अमेरिका में रहता हूँ, मुझे 40 साल हो गए, 40 साल मैंने जिंदगी में इतनी खूबसूरत सब्जी और फल जितना इंडिया और पाकिस्तान में, खासकर पाकिस्तान में, पाकिस्तान अफगानिस्तान ईरान, सही सही सही, ये तीन हर मौसम का फल हमारे हर मौसम का है, चार मौसम है हमारे पास माशाल्लाह. एग्जैक्टली. तो आप क्या खाती हैं? आप भी डाइट का ख्याल रखती हैं? मैं पहली बात है नाश्ता नहीं करती. नाश्ता करती ही नहीं सारी जिंदगी? नहीं किया, हाँ, लेकिन फ्रेश जूस जरूर पीती. हाँ, तो बताओ, यू ईट समथिंग, यू हैव समथिंग, फ्रेश जूस जरूर पीती हूँ. सेकंड, ये फूल मखाने का इन्होंने बताया, इन्होंने अभी जो कह रहे खाती नहीं है, अगर आप लेटेस्ट अमेरिका और यूरोप में ना जो स्टडी द्वारा देखें तो उसको बोलते हैं फास्टिंग, कि वो इसको कहते हैं सुबह मत खाएं, मत खाएं, देर से खाएं. हाँ जी, हाँ. और खाना भी क्या, अभी मैंने आपके शो में आना था तो मैंने वो मौसमी को दर्जन काटी, हाँ, उसके जूस ना निकाले, जूस ना निकाले, ना निकाले, क्योंकि उसको जब जूस निकालते हैं ना उसकी जो स्किन में ना आपकी न्यूट्रिशन है ना वो तो सारी उसमें, जब आप उसके निकालते हैं खुद से सोख करते हैं तो आपके टीथ के लिए, मसूड़ों के लिए बहुत अच्छा है. अच्छा, देखो हम दोबारा ऑर्गेनिक चीजों की तरफ, देसी टोटकों की तरफ दोबारा आ रहे हैं जो हम भूल चुके थे. बिल्कुल. तो मैं लेके अब मैं ये कंटिन्यू करना, मैंने इसी को शाम 4 बजे फिर मैंने कॉफी लेनी जाके 4 बजे, ठीक है, कुछ नहीं खाया. उसके बाद मेरी एक छोटी सी डाइट मैंने बना के रखी है अपनी, बात शुरू हुई थी कि खाने बड़े से खाते हैं, पराठे शराठे कोई नहीं बता रहे once in a blue moon. Okay. I mean, हम रमजान के रमजान रमजान में बिल्कुल भी नहीं. अच्छा, सही, वो टफ पराठे अगर आपने खाने हैं तो सबसे पहले आप देसी घी अरेंज करें जी, हाँ, घर का वो देसी घी, तेल जो है ना, तेल आपको पता है ये केमिकल से बना होता है, जी जी जी, चाहे वो किसी का भी, किसी चीज का भी तेल आप कहें, स्वाए ऑलिव ऑयल के, क्योंकि वो कोल्ड प्रेस भी होता है और दूसरी तरह भी बनता है उसका, वो चीज निकाल दे इसमें, ठीक है. ये केमिकल जब आपके जिस्म में जाता है तो उसने कहाँ जाना है, ही विल स्टार्ट ईटिंग अप योर बॉडी. ये आप देख रहे हैं कैंसर हो रहे हैं 40 साल कितना, में उफ, कितना कैंसर कॉमन हो गया है यंग एज में. बिल्कुल, एग्जैक्टली यही चीज है कि हमारी जो फूड का डाइट है, हाँ. हम उसको अच्छे तरीके से ले नहीं रहे हैं, प्रोसेस्ड फूड खा रहे हैं. स्पेशली हमारी फील्ड में भी ऐसे ही है कि हम अगर पूरा दिन बिजी हैं, 4-5 बजे शाम में फ्री हुए हैं तो हम उस वक्त खा रहे हैं, ब्रेक नहीं मिल रही है, रूटीन वो नहीं है, फलां जगह से पुलाव ले आओ, बच्चियां जो काम कर रही है जाओ बेटा पुलाव ले, फलां से दाल ले आओ, अब देखो हमें बनती कैसे. दूसरा ने उसका काम बिगाड़ा होता ना उस फूड का, अस्तगफुरुल्लाह. ओ, वो रास्ते में आते हो जी, गड्डी खड़ी करो जी, मियाँ की दाल खानी है जी, अंदर जाके देखो तो सही मियाँ साहब ने की उसका हाल किया हुआ. वो तो मजा है खाने ये बंद करने आज से, तो हाँ मुझे तो जिसको कुछ हो रहा है जो बताया. आप अंदाजा करें जैसे उन्होंने अभी यूज किया लफ्ज काले तेल, ये जी वो फ्लां, मैं उसका नाम नहीं लेता क्योंकि सॉन्ग शेयर, फ्लां की मच्छी बड़ी मशहूर है, समझ गया समझ गया. आप जाके देखते हो मच्छी बन कहां पे रही है, मच्छी आई कहां से, हाँ. चलो उसको साफ सुथरा लिया जो भी है, हाँ. उसको हमने रिसाइकल कितनी दफा होता है, हाँ, फिर हाँ. उसके बाद जिस पहली बात तो वो है तेल, दैट्स टू बिगिन विद, मीन लोग आते हैं जी वो तुसी वो फलाने तरह की मच्छी, फिर उनको जो मेरे दोस्त होते हैं जैसे आपसे बात हो रही है, हम उनको बताते, मैं खासकर मैं कह यार ये तू अपनी पैसे दे के अपनी मौत खरीद रहा, मर रहा तो आपने एक टाइम पे जो अल्लाह ने लिखा है उसके दरमियान में, आपकी मौत और जिंदगी के दरमियान में आपने सेहतमंद रहना, नहीं ये अल्लाह पाक ने आप पे छोड़ा हुआ है. एग्जैक्टली. ये किसी पे ना हो, हाँ. सेहत नहीं चंगी बस अल्लाह की मर्जी है.
ये ही नहीं कहना है कि ना तूने एक्सरसाइज करनी है ना तूने अच्छा खाना सब है। अच्छा गरीब लोग जरूरी है, फ्रूट है, फ्रूट की बात करते हैं गरीब अक्सर, और यार सानू इतने पैसों में तो फ्रूट, और भाई तूने बाहर जाकर जो चावल मारनी है, जो तूने फ्रूट खानी है, वो ये खाने वही पैसे जो है उससे आधे पैसों में एप्पल, मैं जाता हूँ ना फ्रूट वाली दुकान पे, वो एक दो बंदों को मैं जानता हूँ पुराने से आते हमेशा आते हैं, वो कभी एक एक वो केला दो केले उठाता है, एक सेब उठाता है, थोड़े से पाव वो लेता है अपने अंगूर लेता है, अच्छा पपीता आया हुआ आजकल, अच्छा छोटे पपीते देख लेता है जिस तरह कुछ नहीं लेना होता, फिर उसके बाद वो उस तरफ चला जाता है गाजरे, वो थोड़े से 250 रुपए में वो बेहतरीन सी वो कलेक्शन करके मैंने उनसे पूछा भी उनसे बाबा जी मैं कह जी तुसी आंदे हो तो आके ये बड़ा जबरदस्त चीजें उठा के लेके जाते हो, आम बंदे को पता ही नहीं, तो कहता बेटा मैं बस मैं और मेरी वाइफ है बच्चे बाहर हैं तो हमें ये काफी है 3-4 दिन के लिए, और मैंने घर में उन्होंने भी मुझे कहा आपके, वो कहता हूँ वाक से खत्म करके आता हूँ तो फिर यहाँ से वो चीजें लेके फ्रेश आती है मैं लेके चला, मुझे लगता है पूरा डाइट प्लान बना के सब प्रोग्राम खत्म करेंगे, सबको खाने से फास्ट फूड से नफरत करा के उठेंगे हम, नहीं नहीं फास्ट फूड इज नॉट ए फूड, हेयर के लिए भी स्पेशली फास्ट फूड जो है बहुत डेंजरस, सीरियसली ये तो बताओ ना डेंजरस है, लाइक हमारे पास जितनी यंग लड़कियां आ रही हैं, टीनेज की लड़कियां आ रही हैं, उनकी जितनी डाइट है वो सब ये फास्ट फूड है, लाइक जितनी देर वो सैलून में बैठी हुई है उन्होंने ऑर्डर करना है फास्ट फूड ही ऑर्डर करना है, फास्ट फूड ही खा रहे हैं, हेयर फॉल बहुत ज्यादा है, हेयर फॉल की बेसिकली रीजन ये है कि आप कोक पी रहे हैं, खाली पेट हैं, आप स्कूल से आई हैं, फिजी ड्रिंक्स कोक कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं, चिप्स खा रहे हैं, अब वो किस ऑयल में फ्राई हुआ है, कितनी दफा फ्राई हुआ है, उसकी कोई लिमिट नहीं है। सर आप बताइए कुछ हुआ है क्लाइंट जिन्होंने तंग किया? मैं उनकी बात सुन रहा था कि वो कलर ये कलर कर लो प्लैटिनम, हमने ये सुना था प्लैटिनम जुबली सुना था, गोल्डन जुबली सुना था, इतने वो कलर्स के इन्होंने नाम लिए, पूरी पूरी फैमिली है, ये किसी और से आ रहे हैं, किसी और से आ रहे हैं, मेरे से आ रहे हैं, ये चीजें नहीं होती, हालांकि हम तो जैसे हैं, देखे ना अल्लाह मियां ने एक का बहुत ट्रेंड है हम पे कर्म किया, ये पूछे नहीं किरण से भी चेंज करना तो क्या चाहिए, अल्लाह मियां ने बड़ी ये जेंट्स भी बहुत इसके दो नफल बनते घर जाते जेंट्स भी बहुत कुछ नहीं हमें ये करना पड़ता, क्या उस वर्ड के वही मुंह धो लिया बस, मैंने आपके पास आना था तो मैंने शेव की 10 दिन के बाद अच्छा सही है और दोस्त भी अच्छा, आई मीन हु केयर्स, शेव बढ़ गई मैंने दफ्तर ही जाना ना काम, मैंने वो करना है जो आपको मैंने बता दिया, मैंने किचन में जाना है लड़कियों के साथ, वो क्लाइंट्स हमारे पास तो इतने डिफिकल्ट क्लाइंट्स आते हैं, ये तो ये अगर ये इनका ये हालत है ना घर जाके तो मेरी फील्ड में होती तो फिर ये वहीं भी किसी में फट पड़ती। अच्छा बाय द वे मैं आपको बता दूं कि मैं थोड़ा सा फ्रोजन का फास्ट फूड का भी करती हूँ, और बाकी इशारा भी दोस्तों मैं वो भी करती हूँ, और डेली अपनी ड्यूटी से ऑफ करके रात को मैंने अपना फ्रोजन रेडी कर लिया होता है 2-3 बजे अपना सारा पैक करके, कहाँ जाता फ्रोजन, छोटे मोटे ऑर्डर बस बहुत कम, लेकिन ये मेरी हॉबी है, ऐसे नहीं मतलब प्रोफेशनली नहीं है, वही मैं कह रहा लेकिन हस्बैंड को भी थोड़ा बिजी किया हुआ और खुद भी थोड़ा बिजी, ये बहुत जरूरी है, हॉबी वो होती है जिसमें यू डोंट मेक मनी जी, दिस इज अ बिजनेस, हाँ ये एक ही आपके पैशन की तरह बिजनेस है। अच्छा तो की साहब वो खवातीन जो घर में काम कर रही हैं होम शेफ जो हैं उनको क्या कहेंगे आपके प्रोफेशनली किस्सा लेके चलें, किस्सा से लेके चलें मतलब देखिए घर में जिससे इस मौजू पे मेरा ये दोनों की राय चाहूंगी, मैं मुझे अक्सर खवातीन की कॉल आती है कि उन्होंने एक दो दिन के लिए ना किचन में कुछ चीजें मसला हमारे पास सेक्शंस हैं, चाइनीज का है, कॉन्टिनेंटल का है, यूरोपियन है, मुगलाई है, बारबेक्यू है, हलवाई है, बेकर है, बुचरी है, ये सारा हमारा अपना है, मेरे रेस्टोरेंट को ना आप आम रेस्टोरेंट से इसलिए कंपेयर नहीं कर सकते कि हम सारा कुछ खुद करते हैं, ये तो मैं और किरण जाएंगे आप बुलाएंगे तो फिर पता चलेंगे ना, जब मर्जी है ना बस तैयार हो जाए बस, इन्होंने तो मेरी साहब का कंपनी में काम किया वजह से जहाँ पे मैं ही पराई हूँ बस, ऑयल जरूर चेक करना है, ऑयल चेक करेंगे सुबह सुबह जाएंगे जब मंकीज आए होते हैं, वो बंदरों से पहले और बंदरों के बाद वाला तेल जरूर चेक करना, वो बंदरों से पहले तेल की क्या शक्ल थी, पहले वाला होता ना वो हम पूरा बंदर डुबो के तो उसको चारों ऑयल जो हमें तंग करता ना ज्यादा तो वो हमने ना उस बंदर के लिए हमारे पास जब मैंने ये शुरू किया था एक भी बंदर नहीं था, बरकत होगी फिर नहीं नहीं जो पीछे जंगल नहीं 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 वो जंगल सर्दियों में ना गांव वाले जंगल काट लेते थे क्योंकि उनके पास सुई गैस नहीं है, उनको फिर जब हम आए तो हमने साल जो है ना मुल्क रास्ते में बैठ गए कि हमने जंगल नहीं काटने देना,
अच्छा, लड़ाइयां भी हुई, झगड़े हुए, पुलिस आई, मार भी खाई हमने। गांव में बैठे हुए ये चीजें बड़ी कॉमन है। तो आप कह रहे होंगे कि रेस्टोरेंट चलाना लड़ना, लेकिन हमने वो रास्ता उनका बंद किया। तो फिर उनको भी खैर अल्लाह पाक ने उनको भी हिदायत दी, तो हमने वो जंगल 5 साल के अंदर, अब इतना घना जंगल है ना, इतना आप उसके अंदर वॉक नहीं कर सकते। जैसे ही दरख्त हो गया, अब मैं देखे अल्लाह पाक ने कैसे जानवरों की रखी हुई है, जैसे ही वो खड़ा हुआ बंदर आ गए। हाँ। क्योंकि पीछे पहाड़ के उस तरफ ना, पीछे वाले वहां पे थी उनकी फैमिलीज। अच्छा। दो फैमिलीज आके यहाँ पे बस गई। अच्छा। हमें यहाँ तक पता है कि इनकी फैमिलीज में कब कब बच्चे हुए है। आप सारे सामने अबाउट 400 नाउ मंकीज, 400 मंकीज हमारे साइड पे। अच्छा। आप जब भी आए वहां पे तंग तो नहीं करते क्लाइंट्स वगैरह को? कभी कभी वो आके टेबल से चीजें उठा के ले जाते हैं, आप खाना खा रही हैं, हाथ में कुछ। लेकिन क्लाइंट्स भी इसको एंजॉय करते हैं, आई थिंक सो। हाँ, सारे नहीं, वो जब चीहे एकदम से किसी कोने से, रेस्टोरेंट बड़ा खुला है ना, किसी कोने से चीहे आ रही होती है तो हमें पता था बंदर पहुंचा वहां पे। खासकर खवातीन, बच्चियां, वो आ गई एकदम टेबल पे आ गए, बच्चे डर गए। तो हमें आपने कॉर्नर की मेज देनी कि भाग सके वहां से, है ना किरण? वो छोड़, वो आप जाए, वो घूम रहे होते हैं। अच्छा चलिए जी, हम जाएंगे जरूर वहां जाके, वीडियो बना के टिकटॉक बना के मैं चलाऊंगी यहाँ पे। हाँ, बिल्कुल, मैं किरण और बंदर टिकटॉक के साथ, टिकटॉक के साथ कॉलर को और मेरे प्रोग्राम में शामिल कर दीजिए। अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? मैं हरिपुर से बात कर रही हूँ। और आपका नाम? हमजा। क्या? हमजा। हमजा, अच्छा बेटा, क्या कहना है आपने? आज स्कूल नहीं गए? नहीं। क्यों, छुट्टी कर ली? क्योंकि हमारी शादी चल रही है। शादी चल रही है? किसकी शादी चल रही है? हमारे मामू की। मामू की शादी, मामू को बहुत बहुत मुबारक। और कैसे कपड़े बनाए आपने? बहुत ही प्यारे हैं। किस कलर के? वाइट। वाइट कलर का शादी, बारात का जोड़ा, और मेहंदी का? येलो। वाह जबरदस्त भाई, मजे। कौन सी क्लास में पढ़ती हो? सिक्स। क्लास सिक्स में, अच्छा। और आपने क्यों कॉल की, क्या बात करनी थी? आप मेरी मम्मा से बात करें। अच्छा, मामा से बात कराए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, क्या हाल चाल है? वेलकम टू K2 शहर। थैंक यू, ठीक ठाक, आप ठीक है? बिल्कुल ठीक हूँ, मेरी तरफ से भी उनका अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, मेहमान भी जवाब दे रहे हैं, क्या कुछ कहना है आपने? सलाम, पहले तो भाई की शादी मुबारक हो आपको। बहुत अच्छा है, हम रोज आपका प्रोग्राम देखते हैं, नई नई बातें हमें सीखने को मिलती है इसमें। थैंक यू। आपने नाम बताया था अपना? सानिया। सानिया, भाई की शादी बहुत मुबारक हो आपको। खैर मुबारक। अच्छा, और कुछ कहना चाहेंगी, कोई सवाल मेहमानों से? हेलो, हेलो, फिर आ गई वो, फिर आ गई? आप एक गाना सुना दे। नहीं, मेरे मामू की शादी थोड़ी है मैं गाना सुना दूं। आप सुनाओ, मेहंदी पे कौन सा गाना गाया था? आप सुना देना। अच्छा, कौन सा गाना? कौन सा गाना? कोई सुना दे। कोई सा भी, ये तौकीर सर बड़े अच्छे गाने गाते हैं, ये सुनाएंगे। मच्छी भाग गई। तो लाहौल वाला भाई, कोई तो बहाना मैंने बनाना था ना। अच्छा। तो अभी हम ढोलक में गाते, फिर हम मामू की शादी के लिए गाने गाएंगे, ठीक है जी? हमारी फैमिली का हिस्सा ना, क्या करें, फिर जब मैं कॉल आती है तो फिर एंटरटेन करनी पड़ती है। बाय द वे, आप कॉल कर सकते हैं 0514102251 पे। हम बात कर रहे थे किस तरह से उन्होंने अपने करियर का आगाज किया दोनों मेहमानों ने, और इतना आसान नहीं था। हम बातें करते करते पता नहीं कहां से कहां पहुंच जाते हैं। और उनकी रेसिपीज मैं चाह रही थी कि जो फेवरेट रेसिपी वो भी आप बताएं, जो आपको अच्छा लगता है बनाना, खुद से बनाना, जो फ्री टाइम में बनाते हैं। अब आते ना सोचिए पर्सनल लाइफ की तरफ। मुझे जो रेसिपी, मैं चाहूँगा कि बाकी लोग भी इसको फॉलो करें, क्योंकि मैंने भी किसी को फॉलो किया था। और जो लोग मीट लवर है ना, हाँ जी, मीट लवर है जी, उनको चाहिए कि शनिवारी की एक डिश है जी, जिसे 2-3 नाम उन लोगों ने मुख्तलिफ तरीके से, कुछ लोग उसको रोश कहते हैं, कुछ को दम पुख्त कहते हैं। सही। अच्छा, ये दो फर्क चीजें? नहीं नहीं, एक ही चीज है, सेम थिंग। अब लोग डिफरेंट, और एक ऐसी जबरदस्त किस्म की ये डिश है, बताने को मैं आपको हजारों बता सकता हूँ। मैं आप मेरे YouTube चैनल पे अगर हजारों ने तो सौ बात काट रही। कॉलर एक और है भी चैनल की तरफ। जी अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग, हेलो। वालेकुम अस्सलाम मैम, कैसी हैं आप? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से?
अवैध बात कर रहा हूँ कराची से, आपका छोटा सा फैन। अच्छा छोटे से फैन, अच्छा अवैध कैसे हो, ठीक हो? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए ठीक है? बिल्कुल ठीक ठाक। कोई सवाल पूछना है आपने, कोई मेहमानों से बात करनी है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, पूछे अवैस छोटे से फैन का। ओए तुमको दोबारा कॉल कीजिए 0514102251 पे, कमिंग बैक टू योर आंसर। आप बता रहे थे आपका यूट्यूब चैनल किस नाम से? मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास रेसिपीज तो अगर आप मुझे कहेंगे मिक्सर फील्ड में, लेकिन जो मेरी पसंदीदा रेसिपी है ना वो उरोश है। अच्छा, इतनी उसमें अगर आप इफ यू आर नॉट ए मीट लवर देन वेजिटेबल्स में बहुत है। आज का साग, ओहो आज का साग अगर किसी ने नहीं खाया तो हमारी यहाँ कल्चर ऐसा है, साग अगर एक दफा बन गया दोपहर में बना है रात को भी वही खाया जाएगा, सुबह नाश्ते में भी वही खाया जाएगा। अब दोबारा क्या बनना है जी, साग पे आएगा थोड़ा जिन ही गर्म कर लो फिर खा लीजिए, जब तक हरे रंग के ना हो जाए ना। एग्जैक्टली, मैं कुछ और कहने वाली थी। जब किसी चीज की ऐसी की तैसी नहीं फेरते तब रुकते नहीं हम। नहीं, साग डिश ऐसी है ना, डिश पर हाथ रुकता नहीं। नहीं तो साग रात को खाया नहीं जाता ना, कुछ को हजम नहीं, कुछ को हो जाता है क्या? पालक को साग इस तरह की चीजें जो है ना, ये इस तरह के जो लीफी ग्रीन है वो आप रात को नहीं खाते, दोपहर में खानी चाहिए। आयरन, यस आई कैन नॉट डाइजेस्ट साग। और तो आप दोपहर में खाए, मॉर्निंग में खाए, बल्कि मॉर्निंग में ले ताकि सारा दिन वो आप उसको जो आप वॉक कर रहे हैं तो आप उसको जो है एडजस्ट कर लें, आप उसको अब्सॉर्ब कर लें और उसकी जो न्यूट्रिशन है वो भी आप। अब ये है कि यहाँ पे जो घर में बनाते हैं, हाँ जी, फिर वही बात है वो तेल में बनाते हैं, वो बनना चाहिए देसी घी में। हाँ। अदरक और लहसुन उसमें बहुत, हल्दी उसमें बहुत, लाल मिर्च हाथ खींचे, नमक से हाथ खींचे, कोटा उन्हें चंगा लाओ। हाँ। लाने के लगाने के बाद उसको जो तड़का लगाना है वो देसी घी का लगाएं। लगाए बंदर वहां से पकड़ेंगे वही घोटना लगाएंगे। किसी का ग्रीन कलर है, उसके हेयर है, किसी के किरण के पास से आए हैं। अच्छा, अगर आपको कुछ लोग सेलिब्रिटीज को मेकओवर देना पड़े, जेंट्स में, मेल आर्टिस्ट में? ग्रे, ग्रे जारी बात है, फंकी कलर तो करवाएंगे नहीं। वार्म में भी अच्छा नहीं लगता क्योंकि आपकी मूछों के साथ और आई ब्रो के साथ भी मैच नहीं करता। मर्द क्यों करवाएगा? तो क्यों करवाते हैं, करवाते हैं, बड़े शहरों में करवाते हैं। हाँ तो कोई हर्ज नहीं, बड़ा शहर। मैं न्यूयॉर्क में था, आई लिव इन न्यूयॉर्क, तो लेकिन वहां पर भी ना जो मर्द मर्द है ना वो नहीं करवाते। लेकिन मैं कह रहा एक सेक्शन ऐसा है मर्दों में जो कि नहीं करता। हाँ ठीक है, उनकी मर्जी, बिल्कुल सही। एक सेक्शन ऐसा है जो करवाते हैं डाई वगैरह, फेशियल, जो डाई फेशियल, बोटॉक्स, फिलर सब को। हाँ तो वो उसके लिए वो कोई इशू नहीं है, कोई इशू। मेरे दोस्त है सारे यार, बिल्कुल। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो जो जो मसला आप मुझे कहें कि आऊं और मैं वो सारा, अभी जितने नाम लिए मुझे यकीन करें, इन्होंने कहा कि मायरा का वार्म टोन का वार्म कर लो अपने आप जी। अब ये वार्म टोन मुझे ब्राउन फैमिली, ब्राउन फैमिली से, ब्राउन ब्राउन फैमिली वालों की। मुश्किल खानों के नाम बता दो इनको, किरण इनको बोले, कोई बोले मुश्किल नाम किसी भी, कोई भी हमारा जितनी भी फील्ड है फ्रेंच में। हाँ। कोई भी नहीं बोले, मैं रिपीट करेंगे हम उसको। किसको? नाम को, कोई फ्रेंच नाम नोवेल है जैसे अभी नोवेल कुजीन है बेसिकली। ओके, नोवेल कुजीन के फॉल करती सारी चीजें नीचे। सही सही, वो करते थे हैवी क्रीम्स के साथ खाना पकाते थे। फिर एक शेफ आया, उसने आके सब चेंज कर दिया, उस कुजीन को कहा गया नोवेल कुजीन। नोवेल मीन फ्रेंच, इंग्लिश में नया, न्यू, नया। ओके, नोवेल, तो नोवेल कुजीन। ठीक है जी, ये नोवेल चीज बता रही है। मैं अपने काम में कुछ नोवेल हेयर स्टाइलिंग और वो कर रही हूं। नोवेल सब ब्रेक तो लेना है हमने। लेट्स टेक अ स्मॉल ब्रेक, वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए, आप देख रहे हैं केटू सैन। जी वेलकम बैक टू के टू शहर। और इतना मजे का टाइम, कम से कम मेरा तो इतना अच्छा गुजर रहा है कि पता भी नहीं चल रहा कि हम
कब से बात शुरू की थी और टाइम क्या हो गया है, लेकिन कोशिश यही होती है कि आपके दिन का आगाज़ हमारे साथ जो है ना वो अच्छे से हो जाए। ब्रेक से पहले मैं पूछ रही थी किरण से कि आप कुछ मेकओवर करना और सेलिब्रिटीज़ का, तो उन्होंने दो तीन नाम को बताया, अभी तो मायरा पे ही थे हम, मेल आर्टिस्ट का भी बताया, लेकिन अगर मैं तो कि सब आपसे पूछूं कि आप गेस्ट लिस्ट आपके पास एक है, आपके फेवरेट आर्टिस्ट सिंगर्स हो जाएं यहाँ के अब्रॉड का, मुझे लगता है तो वो लिस्ट क्या होगी अपने गेस्ट बुलाने अपने रेस्टोरेंट में? मैं जिस फील्ड से, उस फील्ड में तो मुझे कोई डिजायर नहीं है, कोई पॉलिटिशियन में मैं है, पॉलिटिक्स में, पॉलिटिशियन में से मैंने काम किया हुआ है थोड़े अरसे के लिए ना नवाशीर साहब के साथ, ठीक है ठीक है, और आई एम नॉट सेइंग पॉलिटिकली, ठीक है, मेरी जॉब थी तो एज एडवाइजर, एज एडवाइजर, जी जी, ओके, आई हैव वर्कड एज एडवाइजर टू MDPIA, ठीक, को दो साल किया मैंने PIA में भी, लेकिन फील्ड मेरी सेम थी, ठीक, यही फील्ड थी फूड एंड बेवरेज, ओके। अगर मुझे कोई किसी एक पॉलिटिशियन मेरे साथ, मेरे पास जो आते रहते होंगे आपके रेस्टोरेंट में तो, यू नेम इट, और सबसे जो फूडी थे ना वो खान साहब थे। अच्छा, खान साहब फूडी थे, कमाल उनकी सिलेक्शन, और जो फूड की पहचान नवाशी, हाँ जी, साहब को मैंने उनसे एक डिश लर्न की उनसे, अच्छा, उनके किचन से कह लें, लेकिन पसंदीदा उनकी है वो थी आलू गोश्त, आप यकीन करें, और जितना उनको सेंस है ना चीजों की, अब बस इतना ही कहूंगा कि ही इज रियली, उनको पता है कि खाना या चीजें कहाँ से आती हैं और अच्छी चीजें क्या, और फिर मैंने भी मेरा कंट्रीब्यूशन, अगर मेरी कोई डिजायर को आए तो that will be Zardari साहब कि वो आए आपके come to my place। अच्छा, उनसे मुलाकात हुई आपकी? मेरी Zardari साहब से नहीं हो सकी, मेरी जो भुट्टो साहब से हुई थी, अच्छा अच्छा अच्छा, क्योंकि मैं वो उस वक्त हाशवानी ग्रुप में था, तो हमारे पास फंक्शंस बहुत होते थे मुशर्रफ साहब से, सबसे, यू नेम इट, लेकिन ये कि ही इज अ वेजिटेरियन, Zardari साहब ना, ही इज अ वेजिटेरियन। मैं ये हाशवानी ग्रुप जितने होटल थे कराची सारे, हम मैं ट्रैवल करता था, मैं हेड था, तो सबको मिलना चीजें, तो बाकी आप अगर आप मीडिया में कहें तो मैं खुद मीडिया में आपके साथ, चाहे मैं फूड एंड बेवरेज का काम करता हूँ, तो मैं पिछले देखो 24 साल से 99 में मैंने शुरू किया था पहला शो PTV में, फारूक हसन, मैं अपना फराह अहमद, फिर उसके बाद तौसीक हैदर, शबनम, शी इज टीचिंग इन अलामा इकबाल, तो ये पूरा उस गैंग में, तो मैं आशा मलक, वो छोड़ गई, उन्होंने शादी कर ली, बड़ा देर में उनके साथ काम किया, ठीक ठीक ठीक, और तो मेरा एक सेगमेंट होता था आपकी तरह, एवरी ट्यूसडे, सही 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 सही, तो मैं ट्यूसडे को आगे करता था, तो सारों को, फिर सारे खाने के बड़े शौकीन है। अच्छा, प्रेजेंटेशन के आदाब होते, उस तरह से खाने के आदाब भी होते हैं जो कि शायद नहीं होते हैं ना, खाओ खाई जाओ, यकीन करो आप उसको, आप उनको कहे कि नहीं यार ये भी थोड़ा टाइम दे रहे हैं ये वो, और यार नींद आती पई, थोड़ा चल ले, बैठे बैठे सो जाते हैं, खाने की खाया और बैठे बैठे सो गए, खाने की खुमारी, अच्छे वाले, अच्छा बात, और फीके तो फीका कराड़े मार रहे उसने पहले खाया, फिर लस्सी का इतना बड़ा ग्लास वो भी चढ़ाया, चढ़ाने के बाद फिर बंदा पूछे कि उसने काम क्या करना है, सारी वो आप देखे ना, मशीन ही है ना आपके अंदर, अब खाना जाता है, अक्सर लोगों को पता नहीं होता कि मैदा वर्क्स लाइक ए इंजन, उसमें जब आप ऑयल डालते हैं, गाड़ी स्टार्ट करते हैं ना, तो उसके सारे रिंग पिस्टन चलने शुरू होते हैं, ये आपके जिस्म इज जस्ट लाइक योर बॉडी, ये सारी चीजें आपके जिस्म से लोगों ने कैसे सजाला दे मैदे को ना अपने, हाँ, देख के चीजें बनी, हाँ, हाँ, तो, अच्छा, हाँ जी, हाँ, मैं कह रहा हूँ कि इतना उसको ठूस लेते हैं। अच्छा, आपने बताना है कि शहरों में कौन सा शहर ज्यादा फैशन कॉन्शियस है, और आपने बताने कि शहरों में कौन सा शहर पाकिस्तान का जो है ना वो फूडी है, लाहौर के बारे में कहते हैं, गुजरांवाला के बारे में कहते हैं, तो आप दोनों ने जवाब देना है मुझे, आप बताएं पहले। कराची, लाहौर, फिर इस्लामाबाद, अभी तो थर्ड पर है, इस्लामाबाद थर्ड पर ही है, कराची का ज्यादा कॉन्शियस है, कराची बहुत ज्यादा, ठीक, कराची के बाद लाहौर बहुत ज्यादा, लाहौर वाले को थोड़ा ओवरडू नहीं कर देते, बोल दो, मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा, अगर ब्लीच करने बाद तो नजर आए कि पीला कुछ हुआ, हाँ, और क्या, जले हुए बाल लेकिन पीले हो जाते हैं, पीले हो जाते हैं, थोड़ा ओवरडू कर देती हैं, ख्याल रखें अपना, हाँ, मेकअप के बारे में भी और उनका हेयर के बारे में भी सेंस ऑफ ह्यूमर थोड़ा सा ना चेंज है, लाइक इस्लामाबाद की निस्बत, सही वही बात है कि इस्लामाबाद वाले थोड़े वार्म में रहते हैं,
कराची वाले भी थोड़े वार्म में रहते हैं लेकिन जो लाहौर वाले हैं वो थोड़े पीले फील पता नहीं आप क्या करें। इस कमेंट का ताल्लुक हमारे इदारे से नहीं है, इनके किरण से क्लाइंट की मैं बात कर रही हूँ ना, क्लाइंट की चॉइस थोड़ी सी ऐसी है। और जो खाने की ऐसी की तैसी फेज नहीं होती है ना वो लाहौर गुजराला कराची हैदराबाद फैसलाबाद वो पंजाबी में कहते हैं लम्बिया पाके खाना खाते हैं खाने को वो उधेड़ दे लेस्ट मार देनी है। आप शादियों पे जाए ना वो जर्दा ना जर्दा उसके ऊपर मटन कोरमा जी जी और कॉमन दिस इज वेरी हैरान मैंने भी ये देखा है जर्दे में मटन कोरमा कॉमन। अब देखिए कि जर्दे का और मटन कोरमे का कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। वो जैसे ये अभी बता रही है कि वो पौधे कौन कौन से वार्म मुझ पर पता नहीं कौन सा फिट होता ये बताएंगे भी आपको बताती हैं। वो तो एक तो फिट हो गया अब ज्यादा तो नहीं फिट होंगे। ये आप इन इलाकों में चले जाए ये हर चीज फिट कर देते हैं। जब खाने में बैठते हैं ना ओ हो दही भी डाल दिया उसके ऊपर अच्छा जर्दे में डाल रहे हम लोग जब जर्दे में डाल रहे हैं सब कंबाइन करके खाने हैं। अब पुलाव है आप किसी शादियों पे आप देख लीजिएगा पुलाव वहीं पड़ा हुआ उन्होंने लब लब के ना पिछों बोटियां लब रही होंगी कहां कहां पे बोटियां जिस चीज के हाथ में जितनी आई उसने वो खाई थोड़े से चावल खाए निकल गए। ऊपर सलाद की लेयर भी लगा देते ना बचा वो रायता बना के रखा होता ना आपने। हाँ जी आपने बिरयानी भी डालना ये वो बिरयानी उठे पे ही है रायता उन जी खा के निकल गया। जब मुझे पता था ना ये शादी जाना है बहुत सोच समझ कर छोटी लेनी है लोग इधर पंजाब से आए हुए हैं तो हम कहते हैं कि ये जो रायता है इसकी इसका बॉल डबल कर दो बॉल क्योंकि वो अच्छा आपको पता दही कमाल चीज है अगर आप दही नहीं खाते ना एक तो अल्लाह पाक की नेमत से आप महरूम रहे। डब्बे वाला या खुला दही खुला डब्बा शबानी जी नहीं खुला दही नो डब्बा खुला दही नो दही आप वो वाला जो असल दही असल दूध का असल और फिर जिसको आप जो दही के इतने फायदे हैं कि आपका शो खत्म हो जाएगा। तो हम एक शो करेंगे इन चीजों के ऊपर आपको आना चाहिए दोबारा हर्बल पे मक्खन और देसी घी। हां पहले आप चार चीजें हर्बल शर्बत बाद में कर लें दूध दही असली घी और मक्खन चार ये देखे ना जिन जमानों में ये सारी ये जो हम बेचते हैं चूर्ण अपना जारा पहलवान मैं एक मिसाल दे रहा हूं हाँ। गोगा पहलवान रुस्तमे जमान ये लोग उन जमानों में सिर्फ चार चीजें थी ठीक चार चीजें हाँ दूध दही देसी घी मक्खन मक्खन उसके बाद फिर आप हेल्दी तो नहीं होता हेल्दी होता है ये सारा जड़ों पे खड़ा है हाँ। ये आपकी जड़े हैं सही 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 एक्सरसाइज करें आप आपके मसल्स आपके चेहरे पे रौनक बाल और ये जितनी भी आप चीजें बता रही हैं कुछ ना करें आप कोई काम ना करें अपनी सिर्फ डाइट सही कर ले आपके जिस्म में जो जाना ना वही उगना आप पे आपके बाल उगने जो कुछ भी है आपके मसल्स बनने हैं आपके वो पंजाबी में कहते हैं हड्ड पैर मजबूत होने हैं ठीक है जी आपके एंकल्स नीज आप इससे पहले के मल्टीविटामिन्स पर आ जाएं बेहतर है पहले ठीक कर लें हां नो मल्टीविटामिन्स हां एब्सोल्युटली आप एक्सरसाइज करें खाना सही खाएं सही 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 अच्छा अच्छा जल्दी से बता दो कि अगर हमें तौकीर साहब को ट्रांसफॉर्म करना हो तो क्या से कलर यूज करें उनके बालों में ऑलरेडी ग्रेज हैं अच्छा लग रहा है साल्ट एंड पेपर की लुक नजर आ रही है इतनी प्यारी बस खत्म होगी बात वो मैं वही कह रहा हूं कि ये ऑटोमेटिक नेचुरल है ना नेचुरल है इससे अच्छी खूबसूरती तो और हो ही नहीं सकती हो नहीं सकती ऐसे जबरदस्त हो गए जी काम बत्ता से बच गए आपके नहीं पैसे लगाते ही नहीं हम लोग बचाने तब है ना अगर बंदा इसी लगाएगा इस काम पे जाए। अच्छा जी क्या प्लान है फ्यूचर के क्या हो रहा है सैलून में क्या करने का इरादा है हमारा सैलून में अभी एक तो ये कि थोड़ा फंकी कलर्स पर काम हो रहा होता ठीक है लाइक ये कि एवरी ईयर इवेंट्स होते हैं सही इवेंट्स में स्पेशली बाकी सैलून की निस्बत में एक चीज़ कॉमन जो मुझे नज़र आती है ग्लैम स्ट्रीट की वो ये कि इस सैलून में बेस्ट पार्ट ये है कि यहाँ एवरी ईयर जो फाइनल सॉरी एनुअल इवेंट होता है जी जी ग्लैम स्ट्रीट की एनिवर्सरी का
वो सेलिब्रेशन होती है, उसमें ये है कि जाते हैं, इनकरेज किया जाता है, इनकरेज किया जाता है. बेसिकली ये कि ओवरऑल हर सैलून से इनवाइटेड होता है, पूरे पाकिस्तान से भी है. जो जो इंस्टाग्राम फेसबुक देख रहे हैं वो सब इनवाइटेड हैं. उसमें आप नेल की कुछ भी आर्ट दिखा सकते हैं, स्किन का मेकअप, कॉस्प्ले मेकअप, हेयर का कुछ भी मेकओवर आप कर सकते हैं, फंकी कलर्स कर सकते हैं, लाइक कुछ भी आप डिफरेंट अगर करना चाहें तो आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं. अच्छा, पार्टिसिपेट करने के लिए, इसके लिए जरूरी नहीं है कि आप हमारे सैलून ही आए. आप वीडियोज बनाकर अपलोड कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं ग्लैम स्ट्रीट, मतलब मकसद आपका इनकरेज करना लोगों को. बिल्कुल, एग्जैक्टली. दूसरा ये कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ऐसी हेयर स्टाइलिस्ट हैं, मेकअप आर्टिस्ट हैं, स्किन थेरेपिस्ट हैं, जो कि किसी अच्छे प्लेस पर कुछ करना चाहती हैं. सही. उन पे इतनी मोटिवेशन है कि वो कुछ करना चाहती हैं, कुछ दिखाना चाहती हैं. तो हमारा प्लेस एक ऐसा है कि आप एक वीडियो क्लिप शॉर्ट सा बनाएं. सही. टिकटॉक पे भी बना सकते हैं, यूट्यूब पर भी चैनल है अपना, उसके थ्रू भी बना सकते हैं. वो आप हमें भेजें और हम उसको अपने इवेंट में देंगे. तो नेक्स्ट नेक्स्ट मंथ आपका इवेंट है, 7 जनवरी को इवेंट है. सही, और उसमें ये है आउटसाइडर बहुत सारे, इंशाल्लाह आउटसाइडर भी बहुत सारे. एक मिनट रह गया. ओए बातें करते करते पता भी नहीं चला जी. पता भी अभी तो मैंने गाना भी सुना था, वकील साहब सुना था, लेकिन चले बचत होगी आपकी. हाँ. मेरे पैसे बच गए. थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया आपके आने का. आपके रेस्टोरेंट के लिए बहुत सी दुआएं हैं. आप एक्सपेरिमेंट्स करते रहें, कामयाब होते रहें, और साथ जो लोगों को लेके आप चल रहे हैं ना, ये बड़ा जबरदस्त काम है ना. तो विश यू ऑल द बेस्ट. थैंक यू वंस अगेन फॉर कमिंग. किरण, आपके आने का बहुत शुक्रिया. इवेंट पर मुलाकात होगी और जबरदस्त काम आप भी करी हो. और मजे की बात यह कि दोनों ये जो है ना वो पैशनेट है अपने काम के हवाले से, घबराते नहीं है. वंस अगेन जी, कैसा लगा आने के, जल्दी जल्दी बता दीजिए. बहुत बहुत शुक्रिया, हमेशा आपके साथ बहुत मजा आता है, बहुत अच्छा है. सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ आने के लिए आपको कुछ एफर्ट्स नहीं करनी पड़ती, एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट होता है. हाँ, इसमें सबसे बेस्ट ये है सर. मुझे बहुत मजा आया, मैंने सब पे काम किया हुआ है, बट मुझे आपकी छुपी हुई ये पर्सनैलिटी, इसका मुझे पता. अब छुपी हुई नहीं रही, अब आते जाते रहेगा. ठीक है जी. ले जी, कोशिश हमने की कि आपसे हंसी मजाक में बहुत सी बातें कर ले. डाइट का आपने अपने बहुत ज्यादा ख्याल रखना है, और देसी घी, मक्खन और दूध और दही खुला वाला जो 220 रुपए का मिल रहा है वो आपने खाना है. अपना ख्याल रखिएगा, जाने तो जहाने. मिलेंगे कल मजीद अच्छे मेहमानों के साथ. आपके फीडबैक हमें इंतजार रहेगा. टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़.